तो दोस्तों नमासी चक्रवर्ती की फिल्म बैड बॉय का दूसरा गाना भी रिलीज हो गया भाई साहब, और गाना काफ़ी सुंदर है यार। और सुंदर क्यों ना हो, इसे म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने। जब ऐसे बेहतरीन म्यूजिशियन इस तरह के गाने को म्यूजिक देते हैं तो गाना वाकई में अपने आप शानदार बन जाता है। वहीं नमासी चक्रवर्ती की एक्टिंग में भी कोई होट नहीं है, बेहतरीन एक्टिंग नमासी ने किया है और इनकी एक्टिंग को खूब सारा प्यार मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें फिल्म की, जो बैड बॉय 28 अप्रैल को आने वाली है, इस फिल्म के सुपरहिट होने की 5 सबसे बड़ी वजह, तो आप भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा हैरान भी हो जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या है वो 5 वजह जिस वजह से यह फिल्म सुपरहिट होगी। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है, इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन के, वह काफ़ी अनुभवी हैं, चाहे फिर वो राजपाल यादव हो, जॉनी लेबर हो या फिर खुद मिथुन चक्रवर्ती जो कि नमासी के पिता हैं, इन्होंने भी एक गाने में कैमियो किया है। वहीं अगर बात करें और भी कई एक्टरों की, जिसमें और भी कई बड़े एक्टर हैं जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की इस बेटे के साथ काम किया है, तो ऐसे में कहना गलत नहीं है कि जब इतने सीनियर एक्टर हैं तो फिल्म में दम तो होगी होगी। अगर बात करें अगली खासियत की, इस फिल्म की जो खासियत और होगी वह होगा इस फिल्म का सारा गाना, यानी कि जितने भी गाने इस फिल्म में फिल्माए गए हैं वो सब के सब शानदार हैं। अगर बात करें तीसरे खासियत की, तो इस फिल्म में जो एक्टर हैं यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती हैं, इनकी झलक मिथुन चक्रवर्ती की है, तो कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती जितने भी फैन हैं वो सभी के सभी इस फिल्म को देखने जरूर आएंगे, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के इस बेटे का चेहरा सेम टू सेम अपने पिता पर ही गया है और एक्टिंग में भी अपने पिता का ही हाथ पाया हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो नमासी चक्रवर्ती कहीं ना कहीं आज के ज़माने का मिथुन चक्रवर्ती बनकर इस फिल्म में हम सभी को नजर आएंगे। बात करें चौथी खासियत की, तो नमासी चक्रवर्ती बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन भी हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। अगर आपने इनके इंस्टा पर, इनके ट्विटर पर वीडियोस देखे होंगे तो बहुत सारे कॉमेडी वीडियो बनाकर, रील्स बनाकर डाला करते थे। साथ ही गोविंदा के इतने बड़े फ़ैन हैं भाई साहब, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, जब इतने बड़े बड़े एक्टरों के फ़ैन हैं जिनकी फिल्में और जिनका नाम आज बहुत बड़ा है, तो ऐसे में कहना गलत नहीं है कि उन सभी का गुण भी नमासी के अंदर है और यह वजह है कि यह फिल्म सुपरहिट जाएगी। अगर बात करें पाँचवें सबसे बड़े वजह की, तो इस फिल्म को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है अमिताभ बच्चन का, सलमान खान का, धर्मेंद्र का, सनी देओल का, इन सभी बड़े अभिनेताओं का आशीर्वाद मिला है। तो ऐसे में इन सभी जब बड़े अभिनेताओं का आशीर्वाद मिला है तो फिल्म तो डूबने वाली है नहीं। और हाँ, फिल्म की कहानी भाई लाजवाब है, ये भी एक बड़ा सच है, क्योंकि राजकुमार संतोषी जिन्होंने कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जब उनका हाथ इस फिल्म में लगा है जो कि एक कॉमेडी फिल्म है, तो फिल्म तो सुपरहिट होनी है। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल 28 अप्रैल को यह फिल्म आ रही है थिएटर में।